हेलो बच्चों, इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखते हैं एनिमालिया के बाकी सारे ग्रुप्स के बारे में। जैसे हम लोगों ने एनिमालिया का फाइला पढ़ लिया था, आपको पॉडिफेरा पढ़ लिया था, सिलेंट्राटा पढ़ लिया था और प्लाटेलमिंथस पढ़ लिया था। बच्चों अब यहाँ से हम लोग नेमाटोडा से स्टार्ट करेंगे। नेमाटोडा क्या कहता है बच्चों की बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है बायलैटरली सिमेट्रिक क्या होता है। बायलैटरली सिमेट्री में बच्चों अगर आप बीच से काटोगे तो जो बॉडी है वो राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल रहेगा, ठीक है बच्चों। तो बॉडी बायलैटरली सिमेट्री हो गया, टाइप्लोब्लास्टिक हो गया, तीन लेयर्स रहेगा, कौन कौन सा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मेसोडर्म प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे बच्चों फॉल्स सीलोम रहता है। सीलोम जो है मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक कैविटी को कहते हैं जिसमें कि ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये फॉल्स रहता है, यहाँ पे मतलब रहता है और नहीं भी रहता, तो वो गलत टाइप का एक छोटा सा कुछ बना हुआ रहता है। तो ये फॉल्स सीलोम रहता है, ऑर्गन्स नहीं रहता है। बॉडी इसका बच्चों सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, इसका बॉडी सिलेंड्रिकल होगा। और हम लोग प्लैटेलमिंथस में फ्लैट बॉडी पढ़े थे, यहाँ पे बॉडी बच्चों सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। राउंड वर्म्स हो गया इसमें, फ्लाइलेडियल वर्म्स हो गया, ठीक है बच्चों। एनालिट्स में देखते हैं बच्चों, यहाँ भी बॉडी बायलैटरली, अब आप जितना भी पढ़ोगे सब में बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल रहेगा, ट्राइप्लोब्लास्टिक रहेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद ट्रू सीलोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेगमेंट्स। एनालिट्स में क्या होता है बच्चों, सेगमेंट्स बना हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे 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 करके पूरा सेगमेंट्स देखोगे बना हुआ रहेगा। और इसी सेगमेंट में बच्चों डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है। तो इन जो सेगमेंट्स है उनमें प्रेजेंट रहेगा एनालिट्स में, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल हो गया इसका, आपको अर्थवर्म्स को देख सकते हो, अर्थवर्म्स का बॉडी सेगमेंटेड होता है, तो ये बच्चों यहाँ पे बॉडी सेगमेंटेड रहेगा, ठीक है। अर्थ्रोपोडा बच्चों ये लार्जेस्ट ग्रुप है अर्थ्रोपोडा एनिमल्स का, ठीक है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अर्थ्रोपोडा में क्या क्या आ गया, बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल रहेगा, ट्राइप्लोब्लास्टिक है, ट्रोसिलोम प्रेजेंट रहेगा, ये पता है हमको। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कम्स अंडर अर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो है बच्चों, आर्थ्रो का मतलब ये होता है ज्वाइंटेड लेग्स, जिसका लेग्स ज्वाइंटेड हो, तो यहाँ पे लेग्स आपको ज्वाइंटेड मिलेगा, ठीक है। सीलोम यहाँ पे बच्चों फिल्ड रहता है ब्लड से, ठीक है, सीलोमिक कैविटी जो रहेगा, कैविटी प्रेजेंट रहेगा, कैविटी में ब्लड भरा हुआ रहेगा और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ओपन रहेगा। ज्वाइंटेड लेग्स होता है, एग्जांपल हो गया हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है। सिलोम में ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट रहता है बच्चों, यहाँ पे मतलब ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है बच्चों, लेकिन सिलोम में कैविटी में उतने ऑर्गन्स नहीं रहते हैं, ठीक है, सिलोमिक कैविटी में उतने ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अब हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे कि सिलोमिक कैविटीज में ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलोम भरा हुआ रहेगा ब्लड से, ठीक है, टिश्यूज बना, ब्लड बना, तो ब्लड से बना भरा हुआ रहेगा। अब बच्चों हम लोग आते हैं मोलुस्का में। मोलुस्का में बच्चों बायलैटरली सिमेट्री होगा, ट्राइप्लोब्लास्टिक, ट्रोसिलोम। सिलोम यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गन्स को एक्युमुलेट करना शुरू करेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किडनी को सिलोम एक्युमुलेट किया है, ठीक है बच्चों। सिलोम यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, थोड़ा सा कैविटी उसकी कम हुई है और वहां पे किडनी वगैरह आना शुरू किया हुआ है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे ओपन रहेगा। और फूट यूज फॉर मूवमेंट, फूट की जरूरत होती है यहाँ पे मूवमेंट के लिए, तो जैसे स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, इन सब में फूट की जरूरत होती है, ठीक है, पैर की जरूरत होती है। इकाइनोडर्म से बच्चों हम लोग समझते हैं जिसमें कि स्पाइन्स हो, ठीक है, वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें स्पाइन्स हो। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो बायलैटरली सिमेट्री, फिर ट्राइप्लोब्लास्टिक, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट रहता है, स्पाइनी स्किन रहेगा। यहाँ का पिक्यूलियर एक आपको प्रॉपर्टी रहता है कि इसमें जो बच्चों प्रेजेंट रहता है, एक वाटर से चलने वाला ट्यूब प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इकाइनोडर्म्स में वाटर से चलने वाला ट्यूब प्रेजेंट रहता है जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। एक्सक्लूसिवली ये मराइन होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, जितने भी इकाइनोडर्म्स है सारे मराइन होते हैं, जैसे कि स्टारफिश हो गया, सी अर्चिन्स हो गया, बच्चों सारे इकाइनोडर्म्स मराइन होंगे। तो ये आपको समझना है कि आप लोग जितना भी पढ़े हो, नेमाटोडा, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स, मोलस्का, इन सब में बायलैटरल सिमेट्री, ट्राइप्लोब्लास्टिक और सीलोम्स दिख रहे हैं हमको, ठीक है। नेमाटोडा में बस फॉर सीलोम प्रेजेंट है, ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। एनालिड्स में क्या है बच्चों, ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है और आपको यहाँ पे ट्रू सीलोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ऑर्गन सेगमेंट्स में प्रेजेंट रहता है, बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है बच्चों। आर्थ्रोपोडा में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, आर्थ्रोपोडा में भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं,
आपको क्या रहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, ब्लड आपको पूरे कैविटीज में ही भरे रहते हैं, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री है, ये समझ गए, ट्राइप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है, ट्रू सीलोम होगा प्रेजेंट, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स को ये होल्ड करता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, ज्वाइंटेड लेग्स रहेगा, एग्जाम्पल हो गया हॉर्स फ्लाई, बटरफ्लाई। मॉलुस्का में भी आप वही सेम चीज देख रहे हो, बायलैटरल सिमेट्री, ट्राइप्लोब्लास्टिक, ट्रू सीलोम, कैविटी रिड्यूस्ड, यहाँ पे कैविटी थोड़ा सा कम हुआ है और कुछ कुछ ऑर्गन्स को लाना शुरू किया जैसे किडनी वगैरह आया। मूवमेंट के लिए बच्चों क्या है, मूवमेंट के लिए फूट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, जो ब्लड होगा वो आपको सीरम में भरा हुआ रहेगा, ठीक है। इकाइनोडर्माटा में बायलैटरल सिमेट्री बच्चों, ट्राइप्लोब्लास्टिक, सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट रहेगा, स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स होता है, पिक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब प्रेजेंट रहता है जो कि आपको मूवमेंट में हेल्प करता है, एक्सक्लूसिवली मराइन स्टारफिश, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया स्टारफिश। तो थैंक यू बच्चों, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।